हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही फेमस मुंबई स्पेशल चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। मुंबई में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है ये रेसिपी, इसे चना चटपटी के नाम से भी जानते हैं। जो ठेले वाले जो भैया है ना, वहाँ पर ये चना चाट बेचते हैं। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही डिलीशियस लगती है ये, एकदम चटपटी और साथ के साथ ना टेस्ट के साथ साथ काफ़ी हेल्दी। ढेर सारी वेजेस के साथ बनी हुई हमारी चटपटी स्पेशल चना चाट रेसिपी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। हाय गाइस, वेलकम टू योर चैनल चटपटी चटोरी रसोई। फ्रेंड्स, आज जो रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज्यादा सिंपल, इजी और डिलीशियस रेसिपी है। इजीली आप इसे बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी मुंबई स्पेशल चना चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप काले चने। 1 कप ग्राम में देखें तो ये 250 ग्राम है। ये देखिए, इस तरह के जो है ये काले चने होते हैं, इजीली जो है किसी भी किराना स्टोर पर अवेलेबल होते हैं। अब हम इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए रख देंगे। मैंने पहले से ही काले चने भिगो दिए थे। ये देखिए, ओवरनाइट रखने के बाद ये अच्छे से फूल गए हैं और जो है डबल हो गए हैं। 8 से 10 घंटे के लिए इन्हें अच्छे से भीगना बहुत ज़रूरी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए, इजीली जो है ये आसानी से जो है कट हो जाते हैं। भिगोने से जो है ना हमारे काले चने बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनते हैं। अब हम इस पानी को जो है रिमूव कर देंगे और यहाँ पर लेंगे हम एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में अब हम जो हमने काले चने भिगो के रखे थे उन्हें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है काले चने लिए थे, तो 3 कप जो है मैं पानी डाल रही हूँ। 3 से 3.5 कप पानी जो है वो इनफ होता है। 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें लिड लगाकर 5 से 6 विसल आने का वेट करेंगे। फ्लेम को लो रखिएगा। 5 से 6 विसल आने के बाद हम इसे जो है एक बार चेक कर लेंगे और ये देखिए, हमारे जो काले चने हैं ना बहुत अच्छे से जो है कुक हुए हैं, एकदम परफेक्टली कुक्ड। ये देखिए, दबाने से ये अच्छे से जो है दब रहे हैं, एकदम सॉफ्ट बने हैं। अब हम लेंगे एक पैन और उसमें ऐड करेंगे घी या ऑयल, जो भी आप इस्तेमाल करते हो। 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर जीरा लिया है और यहाँ पर ली है मैंने बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। अदरक से ना काले चने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, प्लीज़ इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से इसे हम जो है मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर जो है इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए। 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1/2 टीस्पून रेड कश्मीरी मिर्च, 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ धनिया पाउडर लिया है, सॉल्ट लिया है 1/4 टीस्पून, हमने पहले भी इसमें नमक डाला था, 1/4 टीस्पून मैंने ड्राई मैंगो पाउडर यानी कि आमचूर, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। इसका एक पेस्ट सा बनाकर हम जो है रेडी कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से इसे मैंने जो है मिक्स कर लिया है। इससे हमारे सारे मसाले अच्छे से फूल जाते हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे और ये देखिए, हमारे जो हरी मिर्च, अदरक और जीरा था वो भी अच्छे से जो है कुक्ड हो गए हैं। अब यहाँ पर हम जो है वो मसाला पेस्ट ऐड करेंगे जो हमने अभी बनाया था। ये देखिए, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे हम अच्छे से जो है पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर, या तब तक जब तक ये अपना ऑयल रिलीज ना कर दे। अच्छे से इसे आप जो है स्टर करते रहिए और ये देखिए, 2 से 3 मिनट के बाद अच्छे से जो है ऑयल रिलीज कर दिया है मसालों ने। ये अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर हम अपने उबले हुए चने ऐड कर देंगे और अच्छे से इसे एक बार जो है मिक्स कर लेंगे। हमें जो है ये पानी भी इसके साथ ही डालना है। पानी से ही इसमें ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब इसे हम जो है 6 से 7 मिनट के लिए कुक करेंगे ढककर। और ये देखिए, 7 मिनट के बाद अच्छे से जो है पानी रिड्यूस हो गया है। हमारे काले चने जो है ना परफेक्टली कुक हुए हैं। ये देखिए, एक एक दाना जो है खिला खिला है, मसालों से जो है लिपटा हुआ है। ये देखिए, अब यहाँ पर ऐड करेंगे हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ और इसे भी हम एक बार अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, और हमारे जो है काले चने बनकर बिल्कुल रेडी हैं। चाट बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में हम डालेंगे चने जो अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटे हुए टमाटर, खीरा, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। सभी वेजेस की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर,
हाफ टी स्पून जो है हम डालेंगे यहाँ पर चाट मसाला, आप आमचूर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधे नींबू का रस निचोड़ेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें बारीक कटे हुए आलू भी डाले हैं उबले हुए, आप अपनी पसंद की कोई भी वेजेस इसमें डाल सकते हैं। और ये लीजिए हमारी एकदम चटपटी जो है चना चाट बनकर बिल्कुल रेडी है, बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग लगती है। चलिए अब इसे हम सर्व करते हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस और हमारी हेल्दी चटपटी चना चाट बनकर बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी है और साथ ही साथ ना बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। इसे आप ब्रेकफास्ट में खाइए, चाहे स्नैक टाइम में खाइए, जैसे मर्जी खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है। ये देखिए कितनी ज़्यादा डिलीशियस और टेम्पटिंग लग रही है। अगर आपको मेरी चना चाट की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ में जो बेल है प्लीज़ उसे याद से प्रेस कीजिए ताकि सारी फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।